नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी 14 जून को योगिनी एकादशी के दिन बना दिव्य और दुर्लभ महा शुभ संयोग। 6 राशि वालों को योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से करोड़पति बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। चाहे तो आप स्टैम्प पेपर पर लिखकर रख लें। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से 14 जून योगिनी एकादशी के दिन बन रहे गुरु पुष्प अमृत योग, धन्य लक्ष्मी प्राप्ति योग और माँ लक्ष्मी योग में अमृत सिद्धि योग में 12 राशियों में से 6 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। ये 6 राशि वाले धन से मालामाल होने वाली है, करोड़पति बनने वाली है। स्वयं विधाता भी इन्हें रोक नहीं सकता। इन 6 राशि वालों को करोड़पति बनने से योगिनी एकादशी के दिन दोस्तों ये खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से कौन कौन सी है जो कि 14 जून योगिनी एकादशी के दिन धन से मालामाल होने वाली है, करोड़पति बनने वाली है। इस वीडियो में हम आपको उनके बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि इसी दिन स्वयं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी इन 6 राशि वालों के जीवन की समस्त दुखों का अंत करने वाले हैं और उनके जीवन में आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां। इस वीडियो में आपको उन्हीं 6 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में संपूर्ण और सटीक जानकारी देने वाले हैं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु और जय माँ लक्ष्मी लिखें, जिसे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों आपको बता दें, योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह व्रत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से समस्त पापों का भी अंत हो जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए श्राप का भी निवारण हो जाता है। इस साल योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को रखा जाएगा, बुधवार के दिन। आपको बताना चाहेंगे कि योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से आपके जीवन में आनंद और सुख समृद्धि बढ़ती है। इस व्रत को करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोज कराने के समतुल्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने के लिए मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी खुल जाता है। इस व्रत को करने से इस व्रत को करने वाले व्यक्ति धरती पर सभी प्रकार के सुख भोगता है और परलोक में उसका स्थान बेहतर होता है। योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून बुधवार को रखा जाएगा। बुधवार पर सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान कर लें आप और पीले वस्त्र धारण करें। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। उत्तर पूर्व दिशा की तरफ गाय के घी का दीपक जलाएं और हल्दी से भगवान विष्णु जी को तिलक करें और तुलसीधर अवश्य चढ़ाएं। पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं, योगिनी एकादशी की कथा पढ़ें और आरती कर पूजा करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोज कराकर व्रत का पालन करें। श्रद्धा भक्ति के अनुसार दान धर्म की कार्यकारिणी भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें उन 6 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में जो कि 14 जून योगिनी एकादशी के दिन बन रहे अमृत सिद्धि योग रूप से अमृत योग, धनलक्ष्मी प्राप्ति योग और महालक्ष्मी योग में 6 राशि वाले धन से मालामाल
होने वाली हैं, यानी कि करोड़पति बनने वाली हैं। यूं कहें कि स्वयं विधाता भी इन्हें रोक नहीं सकता। इन छह राशि वालों को मालामाल होने से, करोड़पति बनने से, तो चलिए समय ना गंवाते हुए बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में विस्तार पूर्वक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल की दुनिया में मनुष्य के लिए पैसा बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गई है। बिना पैसे के मनुष्य कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाता है। यदि किसी भी कार्य की शुरुआत की जाती है तो उसमें धन की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। बिना धन के कोई भी कार्य संपन्न हो ही नहीं पाता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन की कभी भी कमी ना हो। वो अपना जीवन सुख वैभव के साथ व्यतीत करना चाहता है, जिसके लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत भी करता रहे, जिससे वो बहुत सारा धन अर्जित कर सके। परंतु इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मनुष्य को सफलता प्राप्त नहीं हो पाती और वे सोच में पड़ जाता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता हासिल क्यों नहीं हो पाई। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनुष्य को मेहनत करने के साथ साथ उसकी किस्मत भी उसके साथ होनी चाहिए, क्योंकि यदि किस्मत साथ ना दे मनुष्य को जीवन में सफलता नहीं मिल पाती, और यदि किस्मत साथ दे तो मनुष्य अपनी कम मेहनत में ही अपनी इच्छा अनुसार सफलता प्राप्त कर सकता है। उसको सभी सुख वैभव की वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। हिंदू धर्म में ग्रह नक्षत्रों और राशियों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यदि ग्रहों या फिर किसी नक्षत्र पर भी छोटा या बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है तो इसका सीधा असर व्यक्ति के जीवन पर भी देखने को मिलता है। कुछ लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है तो वहीं कुछ लोगों पर इसका बुरा। समय के साथ साथ व्यक्ति को उसके जीवन में बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी राशियों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिनकी सोई हुई किस्मत अब भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से चमकने वाली है, और इन राशि वालों के जीवन के अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उन भाग्यशाली राशियों में से बात करें तो पहले राशि है मकर राशि। दोस्तों, मकर राशि वालों को बता दें कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी आपके ऊपर बहुत मेहरबान हैं और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपको जो भी कार्य आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वे कार्य आपके लिए सफल होंगे। देखने में आ रहा है अब इनको अब सफलता पूर्वक सारे काम आपके पूरे होंगे। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो पैसा भी आपको वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कर्जों से भी मुक्ति पाने में कामयाब रहेंगे। आपके द्वारा की गई कोशिश सफल होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। व्यापार में अचानक धन लाभ होगा और सुख शांति का वातावरण आपके घर में बना हुआ रहेगा। साथ ही साथ मकर राशि वालों, आपके ऊपर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। हालांकि इस राशि के लोग अपने उग्र स्वभाव पर थोड़ा संयम रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस लिस्ट में अगली राशि की बात करें तो अगली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें, इस समय शुभ महासंयोग से, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से आपको अब लाभदायक स्थितियां देखने को मिल सकती है। आपके लिए इस समय में अब लाभदायक स्थितियां बनी हुई है। आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने भविष्य के लिए जो योजनाएं आपने बनाए रखी हैं वो ये योजनाएं सफल होंगी और उन पर अमल करने का समय भी आ गया है। उन पर अमल करें, सफलता आपके हाथ लगेगी। साथ ही साथ अब आपको कई बड़े फायदे देखने को मिलेंगे। व्यवसाय के नए रास्ते बनते नजर आएंगे। जो व्यक्ति नौकरी पेशा वाले हैं उनको पद में उन्नति मिलेगी और उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके साथ संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। माता पिता का आशीर्वाद आपको बड़ी ऊंचाइयों
तक लेकर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस राशि वालों को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, समय का भरपूर लाभ उठाएं। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो खुशनसीब और भाग्यशाली राशि है, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब इस समय खुशियों की सौगात लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, ये समय आपके लिए बहुत ही लाभदायक समय सिद्ध होगा। परिवार में सुख शांति आएगी। आपके रुके हुए समस्त कार्य अब इस समय पूरे हो जाएंगे। जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा। संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिलने से मन आपका बहुत प्रसन्न रहेगा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके घर परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। परिवार में कुछ नई चीज़ों का आगमन भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके घर परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। साथ ही साथ जो लोग व्यापारी हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से समय आपके लिए कन्या राशि वालों बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। अब बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशि की, तो वो राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी अत्यंत मेहरबान है। जी हाँ दोस्तों, अत्यधिक कृपा आपके ऊपर बन रही है। मीन राशि वालों, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का नाम लेकर कोई भी कार्य शुरू करेंगे या नया कोई बिजनेस शुरू करेंगे, आप उसमें अवश्य ही बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आप सामाजिक रूप से अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब होंगे। साथ ही साथ छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के योग बन रहे हैं। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन सुखमय रहेगा। अब आपको वे सभी खुशियां प्राप्त होंगी जिनके आप हकदार हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको अब अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त होने वाली है। अब बात करें अगली भाग्यशाली राशि की, तो वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों को बता दें कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके लिए बहुत ही शुभ महासंयोग का निर्माण हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इन राशि के लोगों के कार्य और विचारों में एकाग्रता और शांति रहेगी। आप लगातार सफलता की नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए अपनी अलग पहचान बनाने में सफलता हासिल करेंगे। आप अपने कार्य में जो भी लगे हुए हैं वे कार्य सफल होंगे। आपको बता दें, आपको धन लाभ प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। व्यवसाय में भारी धन लाभ आपको प्राप्त होगा। आप जल्द से जल्द कोई नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं, जिससे आपके घर परिवार में खुशियां बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से कुंभ राशि वालों, समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। दोस्तों, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी और घर परिवार में खुशियाँ आएंगी। तो बात करते हैं अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशि की, तो वो राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों को बता दें कि आपके ऊपर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि बन रही है, जिसकी वजह से ही आपको अत्यंत भारी धन लाभ प्राप्ति होने की संभावना है। साथ ही साथ इस राशि के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उनको पद में तरक्की मिलेगी और साथ ही साथ वेतन वृद्धि के भी योग हैं। जो लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको इसमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के लोगों की आय में वृद्धि होगी। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको संतान प्राप्ति का भी अवसर प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ आपका प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत ही आनंदपूर्वक व्यतीत होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से तुला राशि वालों, समय पूर्णता आपके पक्ष में है। जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे वो कार्य आपका अवश्य ही सफल होगा। इस समय का आप भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से आप न जाने दें। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशि की, तो वो राशि है वृषभ राशि।
वृषभ राशि वाले लोगों को बता दें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके लिए बहुत ही अच्छा समय लेकर आने वाली है। आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से ही समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको इस समय नए अवसर की तलाश है, तो वो भी अवसर प्राप्त होगा, जिसकी वजह से ही आपके जो भी कार्य रुके हुए थे वे सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी। साथ ही साथ यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने को लेकर योजना बना रहे हैं, तो वो योजना भी आपकी अवश्य ही सफल होगी। वृषभ राशि वाले लोगों, आपके लिए धन लाभ के लिए अनेकों अवसर प्राप्त भी होने वाले हैं। यूं कहें कि धन लाभ प्राप्ति के आपके लिए अनेक योग स्वयं माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से इस समय आपके लिए अनुकूल हैं। आप लोगों को बता दें कि आपके परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, साथ ही साथ कारोबार में वृद्धि होगी, सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन प्राप्ति आपको होने वाली है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब बात करते हैं अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशि की, तो वो राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों को बता दें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको बहुत ही शुभ संदेश मिलने के योग बन रहे हैं। आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको अवश्य ही फायदा प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, आपके रुके कार्य सफलतापूर्वक बनेंगे, दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ेगा, साथ ही साथ इस राशि के व्यक्ति को परिवार और जीवन साथी का पूरा सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। आपकी मधुर वाणी की वजह से आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर बन रही है, जिसकी वजह से आपकी धन संबंधित सभी परेशानियाँ दूर होंगी। जो भी आपके अधूरे कार्य है वे अब सफलतापूर्वक पूरे होंगे। वृश्चिक राशि वालों, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। समय आपके लिए अनुकूल है, समय का भरपूर लाभ उठाएं। यूं कहें कि ये राशि वाले मालामाल होने वाले हैं, इनको अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताएं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से अवश्य ही प्राप्त होने वाली है, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री विष्णु लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।